खौफनाक सड़क हादसे की खबर के बाद जैसे ही ये बात सामने आई कि उसमें सवार युवती कोई और नहीं बल्कि उन्नाव रेप कांड की पीड़िता है, उसी वक्त से इस रोड एक्सीडेंट को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। कि एक हाई प्रोफाइल रेप केस की पीड़िता का भयानक सड़क हादसे का शिकार हो जाना क्या सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे साजिश का कोई जाल बुना गया था। जहां एक तरफ इसे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, पीड़िता के साथ खड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार अभी भी जो हमारी बहन है, उन्नाव की बेटी है, उसके साथ खड़ी नहीं है। अगर खड़ी रहती, सीबीआई जांच 2 साल से चल रहे हैं, उसके बाद भी उनके विटनेस पे हमला हो रहा है। कल परसों उनकी चाची मर गई, मौसी मर गई, वकील और खुद पीड़िता स्वतः आज जीवन और मौत के सांस में झूल रहे हैं। कहां ये सोई हुई सरकार? बेटी सुरक्षा अभियान चला रही है, इस पूरे जुलाई भर चलाना है, क्या जाकर लोगों को संदेश देगी? एक भयानक रोड एक्सीडेंट में जिस तरह उन्नाव के रेप कांड की पीड़िता हादसे का शिकार हुई, जिसमें पीड़िता और उसके रिश्तेदार और वकील सवार थे, इस घटना में पीड़िता की 2 रिश्तेदारों की मौत हो चुकी है, जबकि पीड़िता और वकील बुरी तरह घायल हैं और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। यही वजह है कि अब इस हादसे से आपराधिक मामलों के पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या उत्तर प्रदेश का प्रशासन एक पीड़िता की हिफाजत करने में नाकाम साबित हुआ। उन्नाव कांड की पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि रायबरेली में जो हुआ वो हादसा नहीं बल्कि सबको खत्म करने की साजिश थी। शशि सिंह का पति हरपाल सिंह और शशि सिंह का लड़का नवीन सिंह और उनका कुन्नू सिंह सुलह कर लो, नहीं तुमको मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं, गोली से उड़ा देंगे। रायबरेली सड़क हादसे में साजिश का शक तो पहले दिन से जताया जा रहा है, लेकिन अब पीड़िता की मां की लिखी चिट्ठी ने इस शक को और गहरा कर दिया है, जो इसी महीने की 12 तारीख को देश के मुख्य न्यायाधीश को लिखी गई थी। इस चिट्ठी में पीड़िता की मां ने लिखा था, 7 जुलाई की सुबह कुलदीप सिंह सेंगर के भाई मनोज सिंह और कुन्नू मिश्रा 2 अज्ञात व्यक्तियों के साथ हमारे घर आए और हमको धमकी दी कि हम लोगों ने जज खरीद कर कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह की जमानत मंजूर करवा ली है और तुम लोगों को फर्जी मुकदमे में जेल में डलवा कर सड़ा देंगे। इसकी मिसाल तुम महेश सिंह के मुकदमे में देख चुके हो, अभी समय है, सुलह कर लो। उन्नाव की जिस माखी कांड ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया, उत्तर प्रदेश सरकार कटघरे में खड़ी हो गई, वो कांड उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाही का नतीजा था। पीड़िता गैंगरेप की FIR लिखाने के लिए थाने दर थाने भटकती रही, अफसर दर अफसरों के दरवाजे खटखटाती रही, लेकिन FIR नहीं लिखी। मामला बढ़ा तो CBI जांच तक के आदेश देने पड़े। एक बार फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है, वो तब जब पीड़िता बीते रविवार को अपने रायबरेली जेल में बंद चाचा महेश सिंह से मिलने जा रही थी। कार का एक्सीडेंट होता है, बताया जाता है कि ये एक्सीडेंट नहीं, एक साजिश थी। पीड़िता और उसकी चाची जो CBI के मामले में गवाह थी, उसको शांत कराने की कोशिश थी, उनकी आवाज बंद कराने की कोशिश थी। इस बात की आशंका पीड़िता ने और उसके परिवार ने SP रायबरेली से कई दिन पहले भी लगाई थी। इस बात की तस्दीक हमारे पास मौजूद परिवार का वो पत्र है जो उसने SP रायबरेली को लिखा था। ये 13 जुलाई का लिखा हुआ पत्र है, SP रायबरेली को लिखा गया था ये पत्र, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि माखी कांड अपराध पीड़िता को धमकी देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के संबंध में, जिसमें बाकायदा प्रार्थी में आशा सिंह यानी पीड़िता की माँ, सोनाली सिंह, पुष्पा सिंह पीड़िता की चाची हैं जिनकी सड़क हादसे में मौत हो गई और CBI की गवाह थी। इतना ही नहीं, पीड़िता ने इस पूरे मामले की शिकायत सुप्रीम कोर्ट से भी की थी, उनको भी इस बात का पूरा पत्र भेजा था और ये पत्र सुप्रीम कोर्ट के अलावा उत्तर प्रदेश के DGP, प्रमुख सचिव गृह व तमाम बड़े अफसरों को भी भेजा गया था।
यानी परिवार को जो महीनों पहले से आशंका थी कि विधायक और उसके गुर्गे उनके आवास को शांत करा सकते हैं, किसी बड़ी साजिश के तहत उनकी न्याय की लड़ाई में रोड़ा पैदा कर सकते हैं, वो सच साबित हुआ। फिलहाल हमारे हाथ लगे ये दो पत्र तो बता ही रहे हैं कि उन्नाव पुलिस ने इस पूरे कांड में किस तरीके से लापरवाही बरती और एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार अब सवालों के घेरे में आ गई है। पीड़िता की मां की इस चिट्ठी के आने के बाद अब ये सवाल गहरा गया है कि आखिर इतने गंभीर मामले के बावजूद पीड़िता के परिवार की सुरक्षा में ढिलाई कैसे बरती गई। सवाल ये भी है कि एक दबंग विधायक की शिकार पीड़िता को सुरक्षा मुहैया कराने के बावजूद हादसे के ठीक पहले रायबरेली जाते वक्त उसके साथ कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं था। हालांकि अपनी सफाई में यूपी पुलिस ने कहा है कि पीड़िता और उसके परिवार के रायबरेली जाते वक्त जगह की कमी का हवाला देकर खुद सुरक्षा कर्मियों को अपने साथ नहीं ले गया था। ट्रक की इस गाड़ी की सभी की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और उस फॉरेंसिक जांच से जो भी चीज़ सामने आएगी सब कार्रवाई होगी शासन की तरफ से और प्रशासन की तरफ से। कुल मिलाकर मैं समझता हूँ 9 पुलिसकर्मी दिए हुए हैं, 9 या 10, वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, गार्ड है, गनर हैं, महिला सुरक्षाकर्मी हैं, वो दिए हुए हैं। वो आज क्यों साथ में नहीं थे, इसके लिए मैंने जो SP उन्नाव है उनको जाँच के लिए आदेश दिया है। हालाँकि प्रथम दृष्टिया जो बात बताई गई थी उसमें बताया गया था कि ये आज इन्होंने स्वयं ही मना किया था कि गाड़ी में संभवतः ये इतनी जगह नहीं थी ले जा पाए। भले ही यूपी पुलिस इस मामले में सफाई दे रही हो कि पीड़िता ने खुद सुरक्षा कर्मियों को साथ आने से मना कर दिया था, लेकिन अब सरकार और प्रशासन के लिए ये गले की हड्डी बन गई है कि इतने बड़े मामले की पीड़िता और गवाहों की सुरक्षा को लेकर आखिर पुलिस इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरत सकती है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।